ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग। दीदी जी, आज सबके लिए आपका श्रेष्ठ विचार क्या है? हमें यह संसार में सबके साथ अच्छे से रह करके जीना है तो हमारे पास दो गुणों की बहुत आवश्यकता है। अच्छा। एक है सहनशीलता और एक है नम्रता। आज बाबा ने अपने ईश्वरीय कार्य कराने के लिए मातृशक्ति को आगे रखा। क्यों रखा? उसका कारण ही है कि मातृशक्ति में सहनशीलता और नम्रता का गुण बहुत है अच्छा। और बहुत त्याग की भावना है जो पुरुषों में नहीं मिलेगी। उतना त्याग और नम्र और सहनशीलता मातृशक्ति में मिलेगी। इसलिए ये दो गुण विशेष हमारे पास रहना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कितना भी वक्त खराब है पर मेरा साथ तो बाबा का है। ये वक्त जो आया है ये भी चला जाएगा पर मेरा साथी बाबा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि एक समय पर एक जगह प्रदर्शनी लगाई गई। अच्छा। वहां पर एक सर्वात्माओं के पिताओं का चित्र बहन समझा रही थी तो एक भाई ने झगड़ा किया। वो मुस्लिम भाई थे, उसने कहा कि ये चित्र आप मत समझाओ, गलत समझा रही हो, संगे हस्वत का नाम लिखे, अच्छा। इसको हटा दो। उसी के बीच में एक भाई जो समझा रहा था उसने कहा नहीं हटाएंगे हम ये चित्र। तो उसने कहा नहीं हटाओगे हम आपकी आपकी प्रदर्शनी में अभी आग लगा देंगे। अच्छा। तो वो जोश में आ गया और वो भी जोश में आ गया। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। अच्छा। इतने में जो बड़ी सिस्टर थी, नम्रता की देवी, वो बीच में आई अच्छा। और उसने कहा मुस्लिम भाई से कि भाई आप क्या चाहते? हम कुछ नहीं चाहते, ये चित्र आप इसमें से हटा लीजिए। उसने कहा बस इतनी सी बात है। फौरन उसने वो चित्र हटा दिया और बिल्कुल झगड़े की जगह शांति हो गई। नम्रता एक ऐसा गुण है जो फौरन शांति दे देता है और सब चले गए अपने अपने स्थान पर। तो नम्रता रहने से हम सब जगह शांति ला सकते हैं और सबको शांति दे सकते हैं। और सहनशील बनने से जितना हम सहन करेंगे, कई कहते हैं कि हमने इतना सहन किया, कितना सहन करेंगे? अरे अगर आपने 10 बार सहन किया और 11वीं बार सहन नहीं हुआ तो आप पास नहीं माने जाएंगे। मम्मा कहती थी जब 11 बार भी पास होना है तो 100 बार सहन कर रहा है। हम जितना सहन करेंगे उतना हम चमकेंगे। जितना सोने को पीटा जाता है, लोहे को पीटा जाता है, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हमारी भी जितना हमें सहन शक्ति आएगी उतना हम इस संसार में जीना सीख लेंगे, चलना सीख लेंगे सबके साथ, घर में शांति ला सकते हैं, औरों को भी नम्रता और सहनशीलता का गुण दे सकते हैं। तो ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम भी ये दोनों गुणों को बड़े प्यार से धारण करना चाहिए। ओम शांति। दीदी जी, आपने बताया कि सहनशीलता और नम्रता से
मनुष्य जीवन का वैल्यू बढ़ जाता है। थैंक यू दीदी, ओम शांति।